बटेश्वर में श्रद्धालुओं ने 51 लीटर गंगा जल से किया बाबा बटेश्वर नाथ का जलाभिषेक। आपको बता दें, तीर्थ नगरी बटेश्वर में शिकोवाद के श्रद्धालुओं ने श्रावण मास के पवित्र अवसर पर सोरों से 51 लीटर गंगा जल लेकर विशाल कांवड़ यात्रा के माध्यम से बाबा बटेश्वर नाथ का जलाभिषेक किया। इस भव्य आयोजन का नेतृत्व शिकोवाद के उद्योगपति अमन अग्रवाल और पीयूष अग्रवाल ने किया। दोनों भाइयों ने श्रद्धालुओं के सहयोग से सोरों से कांवड़ भरी और बटेश्वर तक की यात्रा की। विशाल कांवड़ रथ में भगवान शिव और नंदी की प्रतिमाएं विराजमान थीं। यात्रा में लगभग 151 श्रद्धालुओं ने भाग लिया और 35 घंटे में कांवड़ यात्रा बटेश्वर पहुंची। श्रद्धालुओं की इस भक्ति और उत्साह ने पूरे मार्ग को धार्मिक और उत्सवमय बना दिया। बाबा बटेश्वर नाथ का गंगा जल से अभिषेक करने के बाद श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की और अपने भक्ति भाव को व्यक्त किया। इस अद्वितीय कांवड़ यात्रा ने क्षेत्र के एक विशेष धार्मिक माहौल उत्पन्न किया। नाम बता दीजिए। मेरा नाम कुलदीप गुप्ता जोनू है जी, और ये कांवड़ प्रथम बार पहली बार आगरा मंडल की सबसे महंगी कांवड़ और सबसे दिव्य और भव्य कांवड़ है, जो आपको चैनल के माध्यम से आप अपने चैनल के माध्यम से सारी जी देख रहे होंगे कांवड़ को जी। और इस कांवड़ के जो आयोजक हैं हमारे सुखावाद के युवा उद्योगपति हैं जी, आलोक लोहे वाले हैं जी, उनके बेटे हैं पीयूष जी हैं, अमन जी हैं, उनके सहयोग से सभी भोले बाबा के भक्त द्वारा सूरों से चल के सुखावाद भोले बाबा का टुंगे वाले मंदिर से होके और बटेश्वर धाम में आपके बटेश्वर धाम मंदिर में यहाँ प्रवेश की गई है। अब यहाँ आके जल अभिषेक होगा। कितने समय में आ गई है ये वहाँ से? 12:30 बजे सूरों से चली थी सुबह, कल मॉर्निंग में 12:30 बजे सुबह चली थी वहाँ से, और शाम को ये आपके समय आपके सामने है। ये कितना गंगा जल है इसके अंदर? 51 लीटर। 51 लीटर